Name the sense organs. There are 5 sense organs: eye, ear, nose, tongue and skin. What is the function of ear? Ear help us to hear the sound and maintain the balance of our body. Now the name of the chapter is Ear to Ear. Kan Kan Me. Ears of all humans are same, but ear of different animals have different ears, as you look in this picture. Elephant मतलब हाथी, हाथी के बड़े पंखे जैसे कान होते हैं, वो अपने कानों से हवा भी करता है. That means elephant has big fan type ears. Giraffe has leaf type ears. Giraffe जो होता है उसके कान पत्ती की तरह होते हैं. Deer मतलब हिरन, हिरन के भी कान पत्ती की तरह होते हैं. Deer also have leaf type ears. Buffalo has ears on both side of its head. भैंस के जो कान होते हैं वो सिर के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं. Rabbit खरगोश के जो कान होते हैं वो उसके सिर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. Rabbit has ears on the top of its head. नेक्स्ट आता है आपका माउस. माउस मतलब चूहा. चूहे के जो कान होते हैं वो बहुत छोटे कान होते हैं. माउस हैज टाइनी ईयर्स. डॉग्स, सम डॉग्स हैव ड्रूपी ईयर्स हैंगिंग डाउन. बहुत से डॉग ऐसे होते हैं जिनके कान लटके हुए होते हैं. एंड सम डॉग ईयर्स आर स्ट्रेट अप. बहुत से डॉग्स ऐसे होते हैं जिनके कान एकदम स्ट्रेट होते हैं. Are these animals looking funny? ये animals आपको बहुत funny लग रहे होंगे. यहाँ पे artist ने wrong ears draw करे हैं animals के head पर. आप इनको सही कीजिएगा. Elephant के सिर पर mouse के कान लगे हुए हैं. Rabbit के सिर पर giraffe के कान लगे हुए हैं. Mouse के सिर पर dog के लगे हुए हैं. Giraffe के सिर पर elephant के ears लगे हुए हैं. Dog के सर पर rabbit के ears लगे हुए हैं. बफेलो के सिर पर डियर के ईयर्स लगे हुए हैं और डियर के सिर पर बफेलो के ईयर्स लगे हुए हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स. सम एनिमल्स हैव ईयर्स विच वी कैन सी, बट सम ऑफ द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी. दीज आर द एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी एंड ऑल दीज एनिमल्स हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी. Do you think that the animals whose ears we cannot see really do not have ears? Name of the animals in this picture are hen, sparrow, parrot, duck, crow and frog. They all have ears even though we cannot see them. Birds have tiny holes on either side of their head which helps them to hear. Birds ke हेड के दोनों तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं जो उनको सुनने में मदद करते हैं. जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फैदर्स. वो छोटे छोटे जो होल्स होते हैं वो उनके फैदर से ढके हुए होते हैं. दे हेल्प द बर्ड टू हियर. और वो टाइनी होल्स बर्ड की सुनने में मदद करते हैं. क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स ऑल्सो हैव ईयर्स लाइक दैट ऑफ बर्ड्स. मगरमच्छ और छिपकली के भी कान बर्ड्स की तरह ही होते हैं, टाइनी होल्स की तरह. वी कैन नॉट सी देम इजीली. हम उनको इजीली नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो उनकी सुनने में बहुत मदद करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑन देयर स्किन. देखो इस पिक्चर में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं और उनकी स्किन पर उनके हेयर से, उनके बालों से अलग अलग डिजाइन बना हुआ है जिसको कि हम पैटर्न्स कहते हैं. The different patterns on the animals are due to the hair on their skin. देखो जो animals होते हैं उनकी skin पर अलग अलग pattern बने होते हैं hair की वजह से. ठीक है, यहाँ पे आप picture में देखिएगा animals की outline दी हुई है और उसमें आपको उनके correct patterns fill करने हैं. जैसे first one is tiger, deer, squirrel, zebra and leopard. Those animals whose ears you can see
have hairs on their body. These animals give birth to young ones. ऐसे जानवर जिनके कान आपको दिखाई देते हैं और शरीर पर जिनके बाल होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं. Those animals that do not have ears on the outside or do not have hair on their body, these animals lay eggs. ऐसे जानवर जिनके कान हमको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं. This is dinosaur. ये एक डायनासोर है. Many many years ago, there were dinosaurs on the earth but not anymore. बहुत सालों पहले अर्थ पर डायनासोर्स हुआ करते थे लेकिन वो अब नहीं है. Now we see them in films, photos and books. अब हम उन्हें फिल्म्स में, फोटोज में और बुक्स में ही देख पाते हैं क्योंकि इनकी प्रजातियाँ अर्थ से खत्म हो चुकी हैं. Now look at this picture. Write its name. Yes, this is the tiger. Tiger is the national animal of our country, that is India. Tiger lives in forest. Tiger jungle mein rehte hain. The number of this animal are going down in India. Tiger ke jo numbers hain wo bhi din pratidin kam hote ja rahe hain. Because people hunt them and kill them. People cut the trees and destroy forest. लोग दिन प्रतिदिन पेड़ों को और जंगलों को काट रहे हैं जिसकी वजह से टाइगर्स के नंबर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं.